हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ3 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है फ्लिप फोन टू म्यूट इनकमिंग कॉल सेटिंग को अपना यूज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये फ्लिप फोन टू म्यूट इनकमिंग कॉल सेटिंग जो है काम कैसे करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिलेगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी, इसे सेलेक्ट करना है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिलेगा स्मार्ट मोशन, इसे सेलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिलेगा स्मार्ट कॉलिंग, इसे सेलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको सबसे नीचे ये ऑप्शन मिलेगा फ्लिप फोन टू म्यूट इनकमिंग कॉल। इस ऑप्शन के ठीक सामने आपको ये बटन दे रखा है, इस बटन को आपको टैप करना है तो ये बटन आपका ब्लू कलर में ऑन हो जाएगा, यानी कि सेटिंग आपकी इस तरीके से इनेबल हो जाएगी। अब सेटिंग ये कैसे काम करती है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फोन पे कभी भी कोई कॉल आएगा, इनकमिंग कॉल आएगा ना आपके फोन पे, तो आपको करना क्या है, आपको अपने फोन को ना उल्टा करके रख देना है, ठीक है। उल्टा करके रख देना फोन को, तो इससे होगा क्या, आपकी जो इनकमिंग कॉल है ना वो आपकी म्यूट हो जाएगी, यानी कि साइलेंट हो जाएगी। जो आपके मोबाइल फोन से साउंड निकल रहा होगा ना रिंगटोन का, वो आपका साइलेंट हो जाएगा उसी वक्त, ठीक है। फोन को उल्टा करके रख देंगे तो ध्यान रखिए, आपका जो जहां पे उल्टा करके फोन को रखेंगे वो एरिया, आपका सरफेस एरिया फ्लैट होना चाहिए, यानी कि सपाट होना चाहिए, समतल, ठीक है, एकदम ऊपर ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखना है आपको लगभग, ठीक है ना। तो आप बेड वगैरह पे कहीं पे रखेंगे उल्टा करके तो आपकी इनकमिंग कॉल म्यूट हो जाएगी, यानी कि साइलेंट हो जाएगी, ठीक है, कोई भी आवाज नहीं आएगी। तो ये सेटिंग इस तरीके से काम करती है आपके मोबाइल फोन में, ठीक है। अब मैं आपको इस सेटिंग को ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूं आपके मोबाइल फोन में। इसके लिए आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ये फिर से ओपन करना है स्टार्टिंग से। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये ऑप्शन मिलेगा सर्च आइकन का, इसे सेलेक्ट करना है और यहां पर आपको सर्च बार में सेटिंग का नेम आपको टाइप करना है, ठीक है। तो यहां पर मैं सेटिंग का नेम आपको यहां पर टाइप करके दिखा देता हूं, तो देखिए नीचे ऑप्शन शो हो गया, इसे सेलेक्ट करना है। इससे क्या होगा, आपका फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग में लेकर आ जाएगा। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।